एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चीज बस्ट रोटी पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं रोटी पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं रोटी पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने दो रोटी बना ली हैं, ये रोटी मैंने फ्रेश बनाई हुई हैं। अगर आपके पास बासी रोटी भी है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी अमूल की चीज़ ली हुई है, एक शिमला मिर्च ली है, एक मैंने प्याज ली है और एक टमाटर मैंने लिया हुआ है। इसका बीज मैंने उतार दिया है, बीज अगर उतार नहीं उतारते तो ये पानी छोड़ देते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया हुआ है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, टमेटो केचप। और ये मैंने रेड चिली सॉस लिया है, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो इसको डालिए, अगर नहीं खाते हैं इसको अवॉइड करिए। ये मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, मैं इसको स्वादानुसार थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी। ये मैंने मिक्स हर्ब्स लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको काली मिर्च और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इन सब्जियों को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, अगर आपके पास कोई और सब्जियां भी हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। ये सब्जियां मैंने काट के तैयार कर ली हैं, अब हम सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस तैयार करेंगे। अब सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लेके पिज़्ज़ा सॉस लेके एक पतली सी लेयर में इसको स्प्रेड करेंगे। सारे कॉर्नर्स इसके अच्छी तरह कवर कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस की मैंने एक पतली सी लेयर लगा ली है, हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, मैं इसमें चिली सॉस भी ऊपर से डालूंगी। इसके सारे कॉर्नर को मैं कवर कर लूंगी। अब इसमें मैं एक चुटकी नमक डाल दूंगी और इसके बाद ये अमूल की चीज़ खूब अच्छी तरह डालेंगे इसको। ये पिज़्ज़ा बेस हमारा तैयार हो गया है, मैं इसको डबल रोटी का बना रही हूँ। अगर आप एक सिंगल रोटी का बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर सीधे सब्जी डाल दीजिए। अब इसको भी मैं एक पतली लेयर से कोट करूंगी। अब इसमें भी हम ऊपर से एक चुटकी नमक डाल देंगे और हम इसमें सब्जियां डालेंगे। ये सब्जियां इसमें हमने सारी डाल दी हैं, अब इसमें हम चीज़ खूब अच्छी अमाउंट में डालेंगे। इसमें हम मुट्ठी भर भर के चीज़ डालेंगे। ये मैंने चीज़ डाल के तैयार कर लिया है, आज इसको मैं तवे में बनाऊंगी, आप चाहे तो इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी घी से, और आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा इसको ग्रीस करूँगी ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब हम ये पिज़्ज़ा तवे में रख देंगे और इसको हम लो फ्लेम में बनाएंगे, अगर हम इसको हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगा। और इसको हम स्टीम देके बनाएंगे, इसमें हम 5-10 मिनट तक स्टीम देंगे। अब हमारे पिज़्ज़ा को 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया, ये देखिए। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह ये बन गया है। अब ऊपर से इसमें हम मिक्स हर्ब्स डाल देंगे और ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा ये कितना चीज़ी पिज़्ज़ा बना हुआ है, ये देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।